अपनी सभी माताएं, छात्र छात्राओं की माताएं, आप सभी का हम आज अपने इस विद्यालय में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय अगस्त माह में 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक यानी कल तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जिसके उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। आप सभी के घरों में झंडे पहुंचे होंगे, आपके घरों में झंडे प्रधान जी ने लगाए होंगे और यहाँ से जो बैठक हुई है अभी तक, इतनी मीटिंग हुई है, उन सभी मीटिंगों में लगातार इस बात को बोला गया है कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, हर घर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हमने एक मैसेज भी डाला था कि तिरंगा झंडा से संबंधित नियम क्या क्या हैं। पहली बात, जब तिरंगा झंडा घरों में लगाया जाएगा तो सबसे ऊपर जो उसका रंग होगा वो केसरिया होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि झंडे को अगर आपने उल्टा करके लगा दिया तो वो रंग ऊपर कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, जो कि गलत होगा, इससे हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान होता है। तो राष्ट्रीय झंडा जो है वो हमारे देश की शान है, आन है, सम्मान है। इन जो हमारे आर्मी में, फौज में तैनात सिपाही हैं, सैनिक हैं, इसी तिरंगा झंडे को लगाने के लिए, इसको ऊंचा रखने के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। झंडा कार्यक्रम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। जिस झंडे को फहराने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानाध्यापक या किसी संस्था का जो हेड होता है या गांव का जो प्रधान होता है, वो जिस झंडे को 15 अगस्त या 26 जनवरी पर या 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फहराते थे, उस झंडे को फहराने का अवसर हमारी सरकार ने हम सबको दे दिया, हर आम इंसान को दे दिया। अब आम इंसान को जब इतने खास काम को दे दिया तो हर आम इंसान को क्या बना दिया, खास इंसान बना दिया, खास इंसान बना दिया यानी ऑफिसर बना दिया। हर इंसान को अपने आप में गर्व महसूस हो, ये ऐसा महसूस हो कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को जो अंजाम देना है तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे खास बात यही है कि हमें झंडे के नियम जरूर पता हो, जिनमें विशेष तौर से पहला नियम यही है कि झंडे को लगाते समय ये ध्यान रखा जाए कि सबसे ऊपर झंडा का जो कलर हो वो केसरिया होना चाहिए। दूसरा, झंडा जो आप लगा रहे हो वो कटा फटा ना हो, उस पर कुछ लिखा ना हो। अगर आपको प्रधान जी देते हैं झंडा या आप कहीं से खरीद के लाते हो तो विशेष ध्यान रखो कि आपके घर में कोई बच्चा उस पर पेन पेंसिल से कुछ लिख ना दे, उस पर कोई दूसरा कलर ना लगा दे, है ना। जैसा कि अभी हमने बताया, आप अपने देवी देवता, इष्ट देव, गुरु, इन सबका कितना ख्याल रखते हो, है ना, इनका ध्यान रखते हो, इन्हें स्नान कराते हो, पूरा पूरा ध्यान रखते हो, ये गिर ना जाए, इन पे पैर ना लग जाए। ठीक उससे भी ज्यादा ध्यान हमें रखना है अपने राष्ट्रीय झंडे का, क्योंकि इसी राष्ट्रीय झंडे की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आप घूंघट से बाहर हो, आज आप अपने, कोई विडो महिला है, कोई विधवा महिला है तो आज रंगीन वस्त्र पहन पा रही है, आज महिला बाजार जा पा रही है, आज महिला अपनी इच्छा से खा पा रही है, आज महिला अपने अपनी बात रख पा रही है। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, इस झंडे को लपेट कर जाने कितनी लाशें दफन हो गई हैं इस धरती में। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को जो 15 अगस्त एक दिन में मनाया जाता था उसे 7 दिन में कर दिया। स्कूल में भी इसका प्रोग्राम 7 दिन का है, ये हमारी पूरी कार्य योजना इस रजिस्टर में बनी हुई है।
आजादी के अमृत महोत्सव की 60 दिन का कौन से दिन क्या होना है। स्कूलों में भी हमारी जो मैडम है वो लेखन प्रतियोगिता, जीके कंपटीशन, खेल प्रतियोगिता और बहुत सी प्रतियोगिताएं बच्चों से करवाती हैं। क्यों करवा रही हैं? एक तो इसलिए करवा रही हैं कि बच्चे वैसे पढ़ाई के नाम से आते नहीं हैं। जब इनको खेल वगैरह ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं तो ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो जब ये यहाँ आएंगे तो कुछ तो लेके जाएंगे। गांव में घूमने से तो बेहतर होगा कि ये स्कूल में आके कुछ सीखें। तो झंडे के आपने ये नियम जाना कि झंडा कटा फटा ना हो, कुछ लिखा ना जाए, सबसे ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए। झंडे का जो डंडा होता है, हमने कल देखा 15 अगस्त वाले दिन बच्चे जो झंडा लगा के आ रहे थे वो टेढ़ा मेढ़ा लहराता हुआ कोई अगुआ पकौआ कैसी भी लकड़ी तोड़ के घुस के ला रहा है। तो देखो आज तो 16 अगस्त है, यानी आपका 11 अगस्त से 15 अगस्त तक के दिन निकल गए। हमारे हर साल हमारे यहाँ ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जो चीज़ हमने पहले नहीं सीखी, हमें नहीं पता थी, उसको हम आज सीखें, आगे से अप्लाई करें, आगे से ध्यान रखें इस बात का। और आज 16 अगस्त है, कल 17 अगस्त है, कल तक इस पर्व को मनाया जाएगा। तो अगर कहीं पे कोई गलती कमी होती है आप अपने घरों में अपने बच्चों को बता सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को बता सकते हैं। दूसरा, अगर झंडा कैसे फट भी जाता है, मान लो बंदर नहीं फाड़ दिया, मान लो बच्चों ने ही कुछ कर दिया है ना, तो उसका निपटान करें। कैसे करें? आप अपने देवी देवता इन सब का अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या करते हो? पानी में सड़ा देते हैं, है ना, हवन करते हो, हवन कुंड, उसकी भी जो वो क्या क्या होता है, जो भी सामग्री होती है वो भी पानी में सड़ा दिया जाता। वैसे ही बाकायदा जो झंडे का भी निपटान होता है। ऐसे तो हम अपने कार्यालय में जितने भी झंडे हमारे अगर फट जाते हैं, कुछ हो जाता है, हम उनको फोल्ड करके रख देते हैं। अभी उसको फेंकना नहीं है, उसको झंडे को आप प्रॉपर उसको फोल्ड करके अपने घर में ही कहीं पर रखिए संभाल के, ठीक, फेंकना नहीं चाहिए। ये खास बात है। तो ये विशेष बात है झंडे के लिए, उसका डंडा सीधा होना चाहिए। झंडा घरों में ऐसा लपियाता हुआ मतलब झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। झुका हुआ डंडे का मतलब क्या हो गया? हमारे राष्ट्रीय झंडा झुक गया, यानी उसका अपमान हो गया। आप लोग सुन रहे हो बच्चों? हाँ, तो ये तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कि भाई 11 तारीख से 17 तारीख तक हर घर में झंडा लहराया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, तो हमें लगता है कि हमारा मुख्य बिंदु पहले झंडे के बारे में ही होना चाहिए कि लोगों को झंडे की जानकारी होनी चाहिए। भाई झंडा हमें लगाना तो है लेकिन उसको संभालना कैसे है? झंडे के बारे में हमने बताया, आप लोग इसका ध्यान रखें हमेशा आगे से, है ना। जैसे आप अपने इष्ट देव की पूरी ध्यान रखते हैं, इष्ट देव का, वैसे ही झंडे का रखें। इसके बाद देखिए, आज जो हमारा जो कार्यक्रम है 11 से 17 तारीख, उसके अंतर्गत आज 16 अगस्त है और आज मातृ दिवस मनाने का हमें शासनादेश प्राप्त हुआ है ऊपर से कि ये बच्चे जो हैं इनकी माताओं को स्कूल में बुलाया जाए और इन माताओं से 15 अगस्त के बारे में, आज़ादी के बारे में यहाँ पर बताया जाए। आप लोग यहाँ बताओ और सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए, आखिर आपको करना क्या है? आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आज मैडम ने कौन सी मीटिंग बुलाई है, हमें किस लिए बुलाया है। तो हम तो बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं और आप लोग भी सिखाते हो, बस आज यहाँ पर बच्चों का मन था कि कुछ अलग हटके हो, तब तक हमारे शासन के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हमने यहाँ पर मातृ दिवस का आयोजन किया है। यहाँ पर हमारे बच्चों की माताएं कहानी, चुटकुला, कविताएं, गाना, देशभक्ति गाना, लोकगीत, नृत्य, डांस, जो करना चाहें, जिसको जैसी परफॉर्मेंस आती हो वो यहाँ पर आज करेंगे। और यही प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसका उद्देश्य है
बच्चों को यकीन मानिए, ये बच्चे यहाँ पर शांत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी माँ बैठी हुई है। और दुनिया में बच्चे के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण होता है तो माँ होती है। चाहे उनके पिता कितना भी मारते हो, पीटते हो, अगर माँ सामने आ जाए तो बच्चा शेर हो जाता है। तो इसलिए ये बच्चे बड़ा हुलफुला रहे हैं, पलट पलट के ये देख रहे हैं कि किनकी माँ ज्यादा सुंदर लग रही है, किनकी मम्मी कितना ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन कैसी मेकअप करके आई है। फिर ये तुलना करते हैं। और मजे की बात आपको हम बताएं कि किसी की भी मम्मी कितनी भी सुंदर लग रही हो, लेकिन हर बच्चे को अपनी मम्मी सबसे सुंदर लग रही होगी। वो देख लेगा इसकी, मतलब भले ही किसी की मम्मी का रंग डाउन हो तो वो बच्चा उस अपनी माँ में वो चीज देखेगा जो उसे अच्छी लगेगी। जैसे अब ये आगे बैठी ये आंटी बैठी हुई है, प्रांसी की नानी है ना, तो अब पड़ोस में ये बैठी हुई है अन्नू की मम्मी, अखिल की मम्मी। तो अब ये दो बच्चे देखेंगे इन्हें कि इनमें मेरी मम्मी की साड़ी अच्छी कि इनकी साड़ी अच्छी। फिर हाँ, फिर इसके बाद अखिल देखेगा और पड़ोस में देखेगा मेरी मम्मी का रंग थोड़ा डाउन है, इनका रंग बड़ा गोरा है, लेकिन साड़ी मेरी मम्मी की अच्छी है, तो ऐसे मेरी मम्मी ही अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही हर बच्चे का हाल होगा, बाकी सही है ये अच्छी लग रही, लेकिन मेरी मम्मी हंसती है तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी के दांत बड़े अच्छे हैं। हर बच्चा अपनी मम्मी में अच्छाई देखेगा, तुलना तो करेगा, ये तो देखेगा, क्योंकि तुलना तो हमारे यहाँ हर कोई करता है, नहीं करता है बताओ? हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में नहीं करते हैं, उनके यहाँ ऐसे हुआ, हमारे यहाँ ऐसे हुआ, उनके ऐसे, उनकी बहू ऐसी आई, उनकी बहू ऐसी आई, है ना। लेकिन लास्ट में हमें अपनी चीज ही अच्छी लगती है। ऐसे ही ये बच्चे, सिर्फ इनका यहाँ बैठने का मकसद यही है कि किनकी मम्मी कितना अच्छा दिख रही है और किनकी मम्मी कितना अच्छा बोलेंगी, परफॉर्मेंस देंगी। तो बच्चों अब बारी है आपकी माँ की, अपना कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। हमें पता है अपने आप से कोई आएगा नहीं, तो हम ही यहाँ पर बुलाएंगे, ठीक है। तो पहले अपनी माँ के लिए बजाओ ताली। चलिए मैं सबसे पहले बुला रही हूँ सोहित की मम्मी को। सोहित की मम्मी का नाम है श्रीमती कृष्णा देवी और वो आप लोगों के बीच में आ रही हैं। तो सोहित की माता जी का स्वागत करिए ताली बजा कर। तो अपने नमस्ते, आपको ये अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आप बताओ आपको क्या करना है, गाना गाना है कि कविता सुनानी है या चुटकुला सुनाना है या कहानी सुनानी, कोई भी कहानी, अपने पुराने जमाने की किसी की भी कोई भी कहानी सुना सकती हो, और अगर डांस करना चाहो तो अपना गाना बता दो।